अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तारिक खान शिलमानी और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि FAT32 और NTFS में बुनियादी क्या फ़र्क है, यानी इसके डिफरेंस में आपको सिखाऊंगा। नंबर वन है FAT32। ये फाइल सिस्टम है, यानी जब भी आप कोई भी USB वगैरह फॉर्मेट करते हो तो NTFS या FAT32 में आप कर सकते हो। तो FAT का मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल, या बस लोग फाइल एडवांस टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि FAT32 ओनली सपोर्ट इंडिविजुअल फाइल परमिशन। ये सिर्फ इंडिविजुअल एक फाइल है, उसकी परमिशन आप इसमें सपोर्ट हो सकते हैं, यानी सब आल नहीं। नंबर दो तीसरी है नो कंप्रेशन। इसमें कंप्रेशन टेक्निक नहीं होती। कंप्रेशन मीन साइज आप कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये है FAT32 में मैंने फॉर्मेट की है, प्रॉपर्टी में आप चेक कर सकते हैं कि FAT32, तो इसमें कंप्रेशन की कोई टेक्निक नहीं है। फिर हम इंटरफेस को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद नो सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है। नो फाइल फोल्डर इंक्रिप्शन, इसमें आप इंक्रिप्शन भी नहीं कर सकती, यानी आप दोबारा चेक कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी भी नहीं और इसमें आप इंक्रिप्शन भी नहीं कर सकती और कंप्रेशन भी नहीं। और मैक्सिमम फाइल नेम कर 11 कैरेक्टर, यानी इसमें आप 11 कैरेक्टर या 8.3 कैरेक्टर ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप फाइल को रिनेम करते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिनेम करना चाहता हूँ, तो इधर मैं फॉर एग्जांपल मैं पूरा नाम देता हूँ कि तारिक खान शिनमानी, चलो स्पेस भी मैं नहीं लिखता, तो ये 5 लेटर है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 11 तक ये लिखा गया, इसके बाद आप ये नहीं लिख सकती, आपको इजाज़त ही नहीं देती। मैं टाइपिंग करता हूँ लेकिन वहाँ पर लिखा ही नहीं होती। तो आप इंडिविजुअल फाइल 11 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं, आप इंडिविजुअल नेम 11 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं दे सकती। तो ये एक और लिमिटेशन है, एक और नुकसान है इसका। तो सिंपल मैं वही नेम देता हूँ। FAT32 इज नॉट अ जर्नलिंग फाइल सिस्टम, विच मीन्स दैट फाइल सिस्टम करप्शन कैन हैपन मच मोर इजीली। यानी इसमें ये जर्नलिंग सिस्टम नहीं है, इसमें इजीली करप्ट हो सकते हैं एक फाइल। FAT32 इज एन ओल्ड टाइप ऑफ फाइल इंक्रिप्शन दैट इज नॉट कॉमनली यूज्ड दीज डेज। FAT32 ये ओल्ड फाइल सिस्टम है, यानी ये पुराने वक्त में ही इस्तेमाल होता था। फेट फिर फेट 16, फेट 32, फेट 64 और अब भी यूज़ हो रहा है लेकिन बहुत कम। अभी भी जो लेटेस्ट सिस्टम है विंडो 7, विंडो 8, तो वहाँ पर सब इंटरफेस फॉर्मेट में ये पार्टीशंस होती है, आप चेक कर सकते हैं, ये सारे इंटरफेस में है। फिर इंटरफेस से भी एक एडवांस वर्जन है XFAT। फाइल टॉलरेंस नो, इसमें आप फाइल टॉलरेंस ये भी यानी गलती ठीक खुद बहुत ठीक करना, ऑटो रिपेयर वो भी नहीं कर सकती। और इसमें एक और नुकसान ये भी है कि FAT32 ओनली सपोर्ट इंडिविजुअल फाइल अप टू 4 GB एंड साइज। तो इसका क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल फाइल, एक सिंगल फाइल, वो 4 GB से अगर वो ज़्यादा हो तो वो आप FAT32 में कॉपी नहीं कर सकते। हवा अगर आपके साथ वो फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव 16 GB भी फ्री हो तब भी आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये 16 GB है और बिल्कुल फ्री है, 16 GB भी है और 14.9 GB फ्री आपको शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक फाइल, इसका नाम है तारिक USB का, मैं एक सिंगल एक फाइल कॉपी करना चाहता हूँ सर्वर विंडो, एक सिंगल फाइल है और 4.16 GB इसका साइज है, यानी 4 से ज़्यादा, तो मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट भी भेज सकते हैं और कॉपी, और फिर मैं इधर पेस्ट करता हूँ तो ये इधर पेस्ट नहीं होगा।
the file server window is too large for the destination file system. Yani jo destination file system hai yani FAT32 uske liye iska size bahut large hai yani aap nahi kar sakte isko copy nahi kar sakte. Jab bhi aapko is tarah problem aaye ki aapke paas space bahut zyada ho lekin ek file 4 GB se zyada ho aur wo copy nahi hoga to phir simple aap wahi flash drive ya pen drive आप परमिट करें NTFS फॉर्मेट में तो फिर आप करें दी तो ये था FAT32 इसके लिमिटेशन और इसका जस्ट इंट्रोडक्शन. अब मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ NTFS फॉर्मेट में. NTFS से भी एडवांस एक फैटी भी है. सिंपली फॉर्मेट हो रहा है फिर फॉर्मेट कंप्लीट होगा. तो ये फॉर्मेट हो गया इंटरफेस फॉर्मेट में. अब मैं इंटरफेस को डिस्कस करता हूँ. इंटरफेस का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. जिस तरह नाम से जाहिर है कि न्यू टेक्नोलॉजी है और ये ओल्ड टेक्नोलॉजी था. इंटरफेस प्रोवाइड कंप्रेशन टेक्निक. इसमें कंप्रेशन का टेक्निक है और इंटरफेस मैक्सिमम फाइल साइज है 16 TB. अगर आप ये इसमें 4 GB से ज़्यादा फाइल आप कॉपी नहीं कर सकती थी और इसमें 16 TB तक भी फाइल साइज हो तब भी आप कॉपी कर सकेगी. अब वही फाइल है आप कॉपी होगा. मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट तो आप देख सकते हैं कि वही फाइल आप कॉपी होना स्टार्ट हो गया. मैं सिंपल इसको कैंसिल करता हूँ. तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आई तो सिंपल आप इंटरफेस में फॉर्मेट करें तो ही फिर काम करेगा. फिर इधर हमने कहा कि इसमें कंप्रेशन टेक्निक है तो आप देख सकते हैं कि कंप्रेस दिस ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस. कंप्रेस आपकी डिस्क स्पेस सेव करता है यानी कंप्रेस होता है. तो फॉर एग्जाम्पल 10 GB से 8 GB तो कंप्रेस. तो इधर यही टेक्निक भी है. इसके अलावा डिस्क कोटा भी है. इसके अलावा सिक्योरिटी भी है. इनक्रिप्शन भी है. ये सारी परमिशंस भी है इसमें. ये फीचर्स हैं. कंप्रेशन टेक्निक भी इसमें है और 16 TB 1 TB में 1000 GB होता है. तो इस इतना साइज भी आप कॉपी कर सकते हैं. आपने देख लिया. इंटरफेस प्रोवाइड कोटा. इसमें डिस्क कोटा सिस्टम है. आप यूज़र के लिए खास फॉर एग्जांपल 4 GB या 5 GB एक जिस तरह आम जॉब्स में कोटा सिस्टम होता है तो आप उसको कोटा एक खास स्पेस दे सकते हैं. लेकिन ये इसमें नहीं है FAT32 में. इंटरफेस प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी बिकॉज यू गेन परमिशन एंड इंक्रिप्शन टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्पेसिफाइड फाइल टू अप्रूव्ड यूज़र. इंटरफेस में सिक्योरिटी है यानी आप परमिशन दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये फाइल कोई कॉपी ना करे या कॉपी करे या इसमें एडिटिंग ना करे या फुल कंट्रोल. तो सब इसमें आप कर सकते हैं परमिशन जिस तरह मैंने आपको अभी बताया. और इनक्रिप्शन. इनक्रिप्शन मीन सिक्योरिटी कि अनरीडेबल फॉर्मेट कोई चेंज होता है तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं. फाइल टॉलरेंस ऑटो रिपेयर. जब इसमें गलती आ जाए तो खुद बहुत वो ऑटोमेटिकली रिपेयर करता है अगर इसमें रिपेयर नहीं होता. मैक्सिमम फाइल नेम 255 करेक्टर. 255 करेक्टर तक आप नेम दे सकते हैं. इतनी सारी फीचर्स के साथ इंटरफेस कॉमन यूज होता है. अब 255 करेक्टर मैं उसको रीनेम करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ई मैंने लिख लिया और अब खान फिर शिलमानी फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर. यानी जितना भी लंबा नाम आप दे सकते लिख सकते तो आप सिंपल इधर लिख सकते हैं. तो ये था FAT32 और इंटरफेस में फर्क. तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा. तो फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं. मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल तारिक खान शिलमानी सब्सक्राइब करें और अच्छे फीडबैक्स दें अच्छे कमेंट्स दें ताकि मुझे अच्छा फीडबैक मिल सके. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.